रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके संबंध में कि यह क्या प्राण प्रतिष्ठा होती है इसकी सबको जिज्ञासा होती है उस परमात्मा भगवान श्री राम और ये बनी हुई जो प्रतिमा है इसमें उस साक्षात परमात्मा की सारी शक्तियां इसमें समाविष्ट हो जाएं और आने के इस मंत्र के द्वारा किया जाता है जो हमारे वेदों में वर्णित मंत्र है और समाविष्ट जिससे जिस प्रकार के देश के कल्याण काल और आने वाले भक्तों की जो दर्शन है उस दर्शन के माध्यम से उनका कल्याण और सभी के कारण जो शक्ति उस परम परमात्मा रमनते जोगि नो जस्मिन नित्यानंद चिरात्मणि राम पदेनाशु पर ब्रह्म उस पर परमात्मा की जो शक्ति है वो इस प्रतिमा में जो बनी हुई है इसमें आ जाए और जो शक्ति और जिस शक्ति से परमात्मा की तपस्या और उनसे हमको शक्ति मिलती है हमारा कल्याण होता है उसी प्रकार की शक्ति इसमें भी है और इस परमात्मा के स्वरूप में विराजमान इस प्रतिमा के हम वैसे दर्शन करें तो इससे हमको फल मिलेगा जैसे साक्षात परमात्मा की तपस्या करने से प्राप्त होता है यही है कि सारी शक्तियां जो भगवान राम की है वो इसमें समाविष्ट हो जाए ये मंत्रों के द्वारा स्थापित किया जाता है और इसीलिए जो भी प्रतिमाएं हैं उनका दर्शन करने वाले पूजा करने वाले और जो मांगने वाले जो कुछ हैं, वो सबका कल्याण होता है सब कुछ उनको प्राप्त होता है यही प्राण प्रतिष्ठा है प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रक्रिया है ये कितने दिन तक लगातार जैसे कहा जा रहा है कि अब शुरू हो चुका है ये लगातार एक एक आप देखें सत्रह 18, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस को खत्म समाप्त होगी बाईस को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो इसी प्रकार से कोई एक हफ्ता दिन कोई ग्यारह दिन कोई इक्कीस दिन जिस प्रकार से होती है उसका उसी रूप से विषम दिनों में उसका किया जाता है या तो सात हो जाए या इक्कीस हो जाए और इसके प्रकार से या ग्यारह हो जाए इस तरह से सम सम तिथियों में सम दिनों में उसकी पूर्ति की जाती है जो सत्रह से शुरू है और ये बाईस को समाप्त होगा लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे मतलब किस किस तरीके से ये जो Uh, क्या क्या शुरुआत में कैसे होता है क्या होता है लोग जानना चाहते हैं क्यूँकी राम प्रतिष्ठा अब जानने के लिए जब प्रत्यक्ष रूप से सब हो रहा है तो इस पे जानने की हम, मैं बताऊं उसको जाने के अपेक्षा सब प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि कलश यात्रा हुई उसके बाद मूर्ति का जो ये नग, नगर भ्रमण हुआ उसके बाद में सरजू में स्नान हुआ सरजू के जल लेकर के आए ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं सामने दिखाई दे रही हैं ये प्रारंभिक है उसके बाद उसी जल से सरजू के जल से सारी जो जितने काम हैं वो सब कुछ पूरा किया जाएगा तो सब पूरा करने के बाद में तब ये छः दिन तक चलता रहेगा और अंतिम में बाईस तारीख को पूर्णतया उस प्राण प्रतिष्ठा की जो मूर्ति है उसको जलाधिवास उसको दुग्धाधिवास उसको रखना उसमें मतलब बाल मतलब उसी में रखना पुष्पाधिवास फूल में रखना औषधि अस्पाद औषधि में रखना अन्नाधिवास अन्न में रखना फिर सब कुछ क्रिया हो उनको स्नान करा देना स्नान करा के व्यवस्थित करके तब उस मूर्ति में मंत्रों के द्वारा प्राण प्रति उसकी आँख आँख बनी रहेगी है नेत्रपन्हा होता है और वो अंतिम प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जब उसमें शक्ति आ जाती है तब उस प्रतिमा को स्थापित किया जाता है स्थापित करने के बाद मंत्रों द्वारा तब वो प्रतिमा हटाई वो हटाया जाता है और हटाने के बाद शीशा दिखाया जाता है फिर उसमें काजल लगाया जाता है ये व्यवस्थाएं ये अंतिम है और उसके बाद में तो दर्शन शुरू हो जाता है सब